मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दो मेगा सिटीज मुंबई और अहमदाबाद को एक एडवांस्ड हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ के भारत के रेल ट्रेवल में एक क्रांति लाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो जापान के शिनकानसेन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहेगा और जिसके कॉरिडोर का निर्माण पूरी तरह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत होगा। ये रूट टोटल 508 किलोमीटर का रहेगा जो मुंबई के बीकेसी या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर अहमदाबाद के साबरमती तक चलेगा। उन 508 किलोमीटर में से 353 किलोमीटर गुजरात में है जबकि 155 किलोमीटर का पार्ट महाराष्ट्र का है। इस रूट में टोटल 12 स्टेशन रहेंगे जिनमें से 4 महाराष्ट्र में रहेंगे। इस रूट का एक्चुअल ग्राउंड वर्क सन 2020 में पैकेज C4 के साथ स्टार्ट हुआ जिसका निर्माण L&T कंस्ट्रक्शंस के हाथ में है। उस वक्त से गुजरात में एक स्टेडी पेस पर काम शुरू है। महाराष्ट्र में इस कॉरिडोर का काम बहुत से पॉलिटिकल और गवर्नमेंट रीजंस के कारण डिले पे रहा, जो रीजंस हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन में होने वाला डिले महाराष्ट्र में काम शुरू होने के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, लेकिन अभी जून 2023 के अराउंड देखे तो लैंड एक्विजिशन पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है और लैंड पोजीशन एक स्टेडी पेस पर शुरू है। लैंड पोजीशन करने के साथ साथ ही NHSRCL ने उस जमीन को क्लियर करना भी शुरू कर दिया है ताकि कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम कर पाए। तो इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट के रूट अलाइनमेंट और वर्क प्रोग्रेस के बारे में देखेंगे। BKC के चेन्नई 0 से स्टार्ट करके पूरा रूट देखते हुए हम जरोली विलेज तक पहुंचेंगे जिसमें 4 स्टेशन होंगे, BKC, ठाणे, विरार और बोईसर। महाराष्ट्र में इस प्रोजेक्ट का निर्माण 3 सिविल पैकेजेस में पूरा किया जाएगा, पैकेज C1, C2 और C3। पैकेज C1 के तहत मेन अंडरग्राउंड टर्मिनल जो BKC में बन रहा है उसका निर्माण होगा। ये टर्मिनल BKC के MMRDA ग्राउंड वाले लोकेशन पर बनेगा। इस पैकेज का काम हाल ही में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी या HCC और मेघा इंजीनियरिंग के जॉइंट वेंचर को 3,681 करोड़ के लागत पर दिया गया और उन्होंने इस स्टेशन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस स्टेशन को मुंबई मेट्रो लाइन 2A के ILNFS और MTNM मेट्रो स्टेशन के साथ इंटरचेंज भी प्रोवाइड किया जाएगा। उन दोनों मेट्रो स्टेशन का अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो पैकेज C1 बस स्टेशन तक ही लिमिटेड है। जैसे ही स्टेशन का एरिया खत्म होता है पैकेज C2 स्टार्ट होता है। पैकेज C2 जो बहुत ही फेमस हुआ अंडरसी टनल है उसका रहेगा। ये 21 किलोमीटर का टोटल अंडरग्राउंड टनल BKC टर्मिनल से लेके शेरफाटा में बनने वाले रैंप तक रहेगा। इन 21 किलोमीटर में से 7 किलोमीटर का पार्ट ठाणे क्रीक या ठाणे की खाड़ी के नीचे से रहेगा, इसी कारण के लिए इसको मेनस्ट्रीम मीडिया में अंडरसी टनल कहा जा रहा है। इस पैकेज का काम जून 2023 में इंफ्रा कंपनी एफकॉन्स को 6,371 करोड़ की लागत पर दिया गया और इसका काम जल्द ही शुरू होना एक्सपेक्टेड है। ये टनल 3 मेगा TBM या टनल बोरिंग मशीन के जरिए बोर किया जाएगा जिसमें से 2 विक्रोली के शाफ्ट से लोअर किए जाएंगे और जो बचा हुआ 1 है वो खंडसोई के पास बनने वाले सावली शाफ्ट से लोअर किया जाएगा। अब सावली शाफ्ट से लेकर शेरफाटा रैंप तक का एरिया NATM या न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। इसका अभी तो कोई ग्राउंड वर्क दिखाई नहीं पड़ रहा बिकॉज ये टेंडर रिसेंटली अलॉट हुआ है, बट जुलाई महीने तक एक्सपेक्टेड है कि इसका काम शुरू हो जाए। लेकिन कॉमन पब्लिक को ये पैकेज का काम उतना देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये पार्ट वैसे भी पूरा अंडरग्राउंड रहने वाला है। अब आता है पैकेज C3 जिसका टेंडर जुलाई 2023 में कॉन्ट्रैक्टर लार्सन एंड टोब्रो या L&T को 15,700 करोड़ की लागत पर दिया जाएगा। लेकिन तब तक NHSRCL ने जो लैंड अक्वायर की थी उस पे क्लियरिंग एंड ग्रेजिंग वर्क शुरू कर दिया है। शेरफाटा रैंप से बाहर निकलने के बाद ये कॉरिडोर पडलेगांव, आगासन और बेतावड़े विलेज से होकर गुजरता है जो डोंबिवली के नजदीक दीवा के बगल में बसे हुए हैं। अब यहाँ आता है इस रूट का दूसरा स्टेशन या पैकेज C3 का पहला स्टेशन ठाणे।
अगर एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे से कंपेयर किया जाए तो ठाणे का ये HSR स्टेशन यानी हाई स्पीड रेल स्टेशन वसई पनवेल रूट के दातीउडी स्टेशन और मेन लाइन सेंट्रल रेलवे के दीवा स्टेशन के बाजू में बसा हुआ है। इस स्टेशन को यहाँ पर लोकेट करने का एडवांटेज फ्यूचर में होने वाले एक्सटेंशन के वक्त देखने मिलेगा। जब ये लाइन पुणे या आगे चेन्नई तक एक्सपेंड हो जाएगी तभी ठाणे का HSR स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन का काम करेगा जिससे एक ब्रांच लाइन BK से जाएगी और इससे दिल्ली से चेन्नई या पुणे जाने वाली ट्रेन ठाणे से सीधी निकल पाएगी। आगे बढ़ने पर यह रूट मेन लाइन सेंट्रल रेलवे और उल्लास रिवर को क्रॉस करेगा और भरोड़ी विलेज की तरफ जाएगा जहां पर इस प्रोजेक्ट में बनने वाले 3 में से एक ट्रेन डेपो या कारशेड बनाया जाएगा। इस कारशेड को अभी के लिए ठाणे डेपो नाम दिया गया है। अभी इस पॉइंट के आगे से हमें अलाइनमेंट क्लियरिंग ज्यादा क्लियरली देखने मिलेगी। मुंबई नासिक हाईवे को क्रॉस करते वक्त MIHSR कॉरिडोर या मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वरी के इस मेगा हब के बीच से गुजर के भिवंडी की तरफ बढ़ेगा। भिवंडी शहर से पास होते वक्त वो मुंबई मेट्रो लाइन 5 के ऊपर से क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। मार्शलैंड से आगे बढ़ते वक्त इस कॉरिडोर का क्लियरिंग वर्क आपको सेंट्रल रेलवे के खारबाव स्टेशन के साउथ में क्लियरली देखने मिलेगा। WDFC का खारबाव वायडक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बसीन क्रिक के मैंग्रोव के थ्रू पास होने के बाद ये कॉरिडोर सेंट्रल रेलवे और WDFC को ऊपर से क्रॉस करेगा WDFC के न्यू खारबाव रेलवे स्टेशन के एरिया से। एरिया से गुजरते वक्त ये कॉरिडोर एग्जिस्टिंग सेंट्रल रेलवे के ऑलमोस्ट पैरेलल चलता हुआ दिखेगा। कामन के आगे इस रूट का पहला माउंटेन टनल लगेगा। टनल पोर्टल के एरिया में NHSRCL ने अच्छी खासी साफ सफाई कर दी है। टनल के बाहर निकलते ही यह रूट NH48 या नेशनल हाईवे 48 को ऊपर से क्रॉस करेगा और जुचंद्रा की तरफ बढ़ेगा। जुचंद्रा फाटक को रिप्लेस करने वाले ROB या रोड ओवर ब्रिज का काम ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। MIHSR कॉरिडोर इस ROB के ऊपर से गुजरेगा तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर इसके पियर्स कितने ऊंचे होंगे। यहाँ पर हमें इस रूट का अलाइनमेंट जुचंद्र स्टेशन के एकदम पैरेलल में क्लियरली देखने मिलता है। अभी
रूट आगे वसई विरार शहर की तरफ बढ़ेगा। वसई ईस्ट के रेंज ऑफिस एरिया के नजदीक सात माले का एक कॉम्प्लेक्स जो MAHSR कॉरिडोर के अलाइनमेंट के बीच आता था, उसको रिसेंटली डिमोलिश कर दिया गया है। अब जिस पॉइंट को आप देख रहे हो वहां पर ये कॉरिडोर WDFC को एक और बार ऊपर से क्रॉस करेगा। नालासोपारा में पहला रोड को क्रॉस करते ही ये कॉरिडोर अपने रूट के तीसरे स्टेशन की ओर बढ़ेगा विरार। विरार का HSR स्टेशन बरोंडा देवी हिल के एरिया में बसा हुआ है, जिसके कारण ये इस रूट का एक बहुत ही सीनिक स्टेशन बनेगा। अभी के करंट रोड कनेक्शंस को कंसीडर किया जाए तो विरार का ये HSR स्टेशन एक्सिस्टिंग नालासोपारा और विरार स्टेशन से ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे बसा हुआ है। विरार स्टेशन के आगे एक और माउंटेन टनल रहेगा, जिससे विरार स्टेशन की खूबसूरती और बढ़ेगी। जीवदानी माँ पर्वत के बाजू से टनल से बाहर आते ही ये कॉरिडोर चंदनसार से होकर आगे मेनलाइन वेस्टर्न रेलवे को क्रॉस करेगा। हमें इस रूट की तीसरी नदी देखने मिलेगी वैतरणा। वैतरणा रिवर के दोनों साइड और जोव आइसलैंड पर मैंग्रोव्स की क्लियरिंग आपको क्लियरली देखने मिल सकती है। वैतरणा रिवर को क्रॉस करने के बाद यह रूट सफाड़े वेस्ट के टेम्बी खोड़ावे विलेज से पास होगा और अपने रूट के तीसरे माउंटेन टनल की तरफ बढ़ेगा, जो कि जलसार विलेज के बाजू में मेघराज माउंटेन के थ्रू रहेगा। मेघराज माउंटेन क्रॉस करने के बाद ये रूट सफाड़े वेस्ट के मांडे, माकुनसार और रोठे विलेज से पास होकर गुजरेगा। मांडे रोड यहाँ पर आपको क्लियरली पैरेलल में देखने मिल सकता है। रोठे विलेज के एकवीरा मंदिर को क्रॉस करने के बाद केवे रोड स्टेशन के थोड़े पहले ये रूट एक बार और वेस्टर्न रेलवे और WDFC को ऊपर से क्रॉस करके ईस्ट की तरफ जाएगा। ये क्रॉसिंग एक एंगुलर क्रॉसिंग रहेगी इन टोटल 6 लाइनों के ऊपर से। 2 लाइन डहाणू सबर्बन की, 2 लाइनें मेन लाइन वेस्टर्न रेलवे की और 2 लाइनें हाई राइज WDFC की। यहाँ पे आप देखोगे तो सबर्बन लाइन को एक हल्का सा कर्व दिया गया है, क्योंकि इस क्रॉसिंग का जो रेल फ्लाईओवर या RFO बनेगा उसके कुछ पियर्स इन एग्जिस्टिंग लाइन्स के इर्द गिर्द रहेंगे, तो उन पियर्स के लिए जगह सबर्बन और मेन लाइन के बीच छोड़ी गई है। केवे रोड वाला ये पॉइंट मेरे जैसे रेल फैंस या रेल एंथुजियास्ट लोगों के लिए एक परफेक्ट पॉइंट रहेगा, जहां से हर टाइप की ट्रेन देखने मिलेगी। आगे बढ़ने पर यह रूट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो करके उत्तर की तरफ बढ़ता है।
तरह कंप्लीट हो जाने पर इस एरिया में एक बहुत ही मैग्निफिशेंट व्यू मिलेगा। एक तरफ कंटिन्यूस फ्लैटलैंड और दूसरी तरफ सह्याद्री माउंटेन्स और दोनों के बीच से गुजरता हुआ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। पालघर ईस्ट के नंडोरी एरिया से गुजरते हुए ये रूट नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। अंदर के गांव जैसे देवखोब मान को क्रॉस करके ये कॉरिडोर अपने रूट के चौथे स्टेशन या महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन की तरफ बढ़ता है जो है बोईसर। बोईसर का एचएसआर स्टेशन बोईसर डीमार्ट के थोड़े ईस्ट में बसा हुआ रहेगा। बोईसर से नागजरी होके हाईवे जाने वाला रोड स्टेशन के साउथ में और बोईसर महागांव रोड स्टेशन के नॉर्थ में रहेगा। वेस्टर्न रेलवे के एग्जिस्टिंग बोईसर स्टेशन से बोईसर एचएसआर स्टेशन का बाय रोड डिस्टेंस अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर है, लेकिन आने वाले समय में इन दो स्टेशन को एक दूसरे से एक डायरेक्ट लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। बोईसर स्टेशन के आगे बढ़ते ही उसके जस्ट नॉर्थ में बोईसर मेंटेनेंस डेपो बनेगा जो कि महाराष्ट्र का एकमेव सब मेंटेनेंस डेपो रहेगा। आगे का काम आपको देखने मिलेगा जो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। आगे के गांव जैसे शिगांव वणई वानगांव के थ्रू ये रूट पास होगा। वानगांव चारोटी रोड को गोवणी विलेज के अराउंड क्रॉस करके ये रूट डेहणे कोटबी तथा चरी विलेज की ओर बढ़ेगा। सरी विलेज में एक जिला परिषद स्कूल जो इस अलाइनमेंट के अंदर आ रही थी उसे भी डिमोलिश कर दिया गया है। आगे बढ़कर डहाणू चारोटी मेन रोड को संतोषी देवी माउंटेन के थोड़े ही ईस्ट से क्रॉस करके ये आगे बढ़ेगा। के आगे के अंबेसरी विलेज से पास होते वक्त ये रूट महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 75 के पैरेलल चलेगा।
आगे बढ़ने पर एक और रिवर ब्रिज रहेगा जो रिवर तुम के ऊपर बनेगा। तुम रिवर वही रिवर है जो वेस्टर्न रेलवे को सन्यान स्टेशन के जस्ट पहले क्रॉस करती है। हालांकि ये ब्रिज वैतरणा या उल्लास जितना लंबा तो नहीं रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के पार्ट में ये लास्ट रिवर ब्रिज होगा। अब ये रूट आगे तलासरी उबरगांव रोड को जरी विलेज के पास क्रॉस करेगा। इसका अलाइनमेंट क्लियरिंग का काम आप कंटिन्यूअसली रूट पर देख सकते हो। अब ये रूट एक बार और NH-48 को तलासरी के नजदीक उपलट एरिया में क्रॉस करेगा। अब पैकेज C3 के लास्ट बचे हुए पार्ट को हम देख सकते हैं जिस पर लैंड क्लियर की जा चुकी है। आखिरकार चेनेज 156 पे पैकेज C4 का पहला पियर देखने मिलता है, जिसके थोड़े ही आगे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन माउंटेन टनल भी देखने मिलेगा। इस टनल को MHSR कॉरिडोर का गेटवे टू महाराष्ट्र या गेटवे टू गुजरात भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये टनल दोनों स्टेट के ऑलमोस्ट बाउंड्री पर बसा हुआ है। टनल क्रॉस करते ही आपकी ट्रेन दूसरे स्टेट में दाखिल हो जाएगी। इस पॉइंट से आगे हमें पूरे गुजरात में कंटिन्यूअसली एक कंसिस्टेंट पेस पर पियर वर्क और उसके आगे का काम जैसे गर्डर लॉन्चिंग वगैरह देखने मिलता है। महाराष्ट्र का एक्चुअल ग्राउंड वर्क हम सन 2024 के फर्स्ट क्वार्टर या 2023 के लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे चैनल पे इस प्रोजेक्ट का रेगुलर अपडेट देता ही रहूंगा, जैसे मैं विरार डहाणू कॉर्डर प्लेइंग या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। हालांकि गुजरात के पार्ट का कंस्ट्रक्शन अभी नीड पर है, लेकिन महाराष्ट्र के पास केवल 135 किलोमीटर का वायाडक्ट ही बनाना है और बाकी 21 किलोमीटर का टनल। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र का बचा हुआ काम भी गुजरात के काम के साथ जल्द ही कोप अप कर लेगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। कुछ भी डाउट या क्वेरी या कोई सजेशन भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र।